तो माइकल जो काफी लालची इंसान होता है, ये जो मरे हुए लोगों की लाश से जो सोना चुराया करता था, अगर किसी इंसान के सोने के दांत होते तो उन लाशों के दांत को जो चुरा लेता है और बेच दिया करता है। माइकल के ऊपर जो काफी खर्चा होता है। अब यहाँ पर जो एक बूढ़े आदमी को दफनाया जाता है, जिसके माइकल को बताता है कि इसके बूढ़े आदमी के काफी दांत जो सोने के होते हैं और काफी सोना जो इसके साथ दफनाया गया होता है। अब माइकल जो उसकी कब्र पे जो सोने को चुराने के लिए आ जाता है, जैसे ही वो उसकी कब्र को खोलता है तो वो देखता है यहाँ पर चूहे जो उसकी लाश को चुरा के लेके जा रहे होते हैं। अब माइकल को ये सोना चाहिए ही चाहिए होता है, इसलिए वो जो चूहों के बिलों में घुस जाता है। अब यहाँ पर उसको जो काफी बड़ा चूहा भी दिखता है, वो उसे घबरा के जो भागने लग जाता है। वो बड़ा चूहा जो उसके पीछे पड़ जाता है, यहाँ पर उसे बच्चे बचा जाए तो एक गड्ढे के अंदर गिर जाता है, यहाँ पर जो काफी सारी हड्डियां पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर जो काफी सारा सोना वो भी होता है, चूहे जो सोने को नहीं खाते, इसलिए बचा बचा सोना जो यहाँ पर पड़ा हुआ होता है। यहाँ पर उसको जो एक लाश के पास ज्वेलरी दिखती है, वो ज्वेलरी को निकाल लेता है, लेकिन जैसे वो उस ज्वेलरी को निकालता है तो यहाँ पर वो लाश जो मूव करने लग जाती है और उससे वापस उस ज्वेलरी को मांगने लग जाती है। अब वो बड़ी मुश्किल से जो इस गड्ढे से निकलता है, लेकिन वो जो उस कवर के अंदर फंस जाता है। और यहाँ पर दो चोर और आते हैं जो की लाश से सोना चुराया करते थे, जैसे वो कवर को खोलते हैं तो वो माइकल की लाश को देख के घबरा